¿Ay, ahora? देखो घात लगाए बैठा हुआ है जी बंदे के लिए। कसम बंदूक होते तो काम हो जाता। ये देखो जी कितना बड़ा है। उसके मुंह का लग रहा है ना वाइट हो जा रहा है। अरे बाप रे ये तो बहुत ही भयंकर है। कल वाला है फूट कर दो। सूट यहीं खड़ा है दुकान के आगे। अरे ठोको पेलो पेलो ये आ गया। बाप रे ये तो भयंकर है यार। वही है। अरे पेलो ये आ गया। अरे ये आ गया आ गया। अरे बाप अरे बाप रे अरे दारू लेने चला गया तो। अरे बाप रे गोली मारो गोली मारो मार। अरे यार ये देख पंकज देख। अरे बाप रे ये बहुत ही भयंकर है। कल वाला है। अरे गोली मार दो गोली। उधर ही है भाई। फूट कर दे फूट यहीं खड़ा है दुकान के आगे। अरे ठोक दो ठोको पेलो पेलो। अरे गुड्डू भाई का उधर भाई देख भाई मैं बोला ना वही वही जगह पे आ रहा है यार। अरे पेलो अरे मार दे गोली मार दे भाई। अबे उधर का ना मार ये तो चला को मार। अरे दारू लेने चला गया। वही देखो यही देखो यार वो तो डर वो तो नहीं डर रहा है यार। ये बात पागल हो गया वास्तव में। मार दे देखो अरे दौड़ा रहा है देखो। अरे मार भागो पीछे से भागो भागो पीछे से पागल भाई कैसे घूम रहे हो। देख देख नीचे कुंडा लगा है। बेंचो जम मारे चिल्ला रहा है। अरे अंदर जाओ यार। अरे गुड्डू भाई का अंदर अंदर फिर घुस गया। अच्छा दिखा रहे हो भाई दिखाओ बोलो ऐसे चलूंगा। ये देख गुड्डू भाई को फिर अंदर ही घुस गया यार। अंदर घुस गया फिर भोपाल को फोन करो तो भोपाल बाहर मत निकलना किसी भी हालत में। बस बताओ बताओ अंदर चला गया। अरे इधर गया इधर 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 ये नीचे नीचे गया नीचे। अरे नीचे फिर वही मिलेगा वो। हाँ अरे यहाँ नीचे गया हमको मार देगा वो। बैंक में गया कल जैसा घुसा था यार। यहाँ नीचे चला गया गुट्टू भाई गया। अरे दादा बैंक के नीचे चले गया। पागल हो गया वास्तव में। अरे अटैक कर रहा है अटैक कर रहा है। अरे भागो पीछे से अरे भागो पीछे से क्यों खड़े हो रोड पे। पागल भैंसो कैसे घूम रहे हैं यार ये बाकी लोग। अरे पागल हो गया ये अटैक कर रहा है भैंसो देख रहे हो। हमारा कुंडा लगाए नीचे। हाँ हाँ अंदर कुछ जगह ये आ गया ये आ गया ये आ गया आ गया। हमारा कुंडा अरे सुनील अंदर जाओ अंदर जाओ यार करो मजे लो यार। कोई भैंसो के तरह कुछ कर बड़ा बेटा बेटी बेटी जूम कर जूम जूम है वो जूम है ना दादी। अरे जूम है। अरे आ गया ये बेटा यहाँ जाप मार देगा। अगर उसको इतना छेड़ोगे ना वो मार। अरे उसकी बस की कुछ है बूढ़ा है वो। ले दे अरे यार चूतिया क्या फेरिंग कर रही है। और पड़ा बहन चुप अब पड़ा उसको मोर को अब पड़ गया अब पड़ गया पड़ गया पड़ गया अब पड़ गया पड़ गया अब पड़ा।
वो बियोस वाला लेके आते हैं उसके लिए। चौकी तरफ से नजर आ जाओ, गेट बंद कर दो। अरे बाघ आ गए रे बाघ। अरे घिर गए, आप घिर गए। हाँ बारिश हो रही यार। ये चौकी वाले कहाँ गए? पुलिस वाले नंगू वाले रघू हल मोबाइल कमरे में नहीं जा। अरे दे या की देख क्या। अरे यार ये मैंने ब्लॉग नहीं खोलूं ना। अबे ये तो हिल भी नहीं रहा है। जाओ जाओ लोग जाओ। अंदर घुस रहा है वे वो। हाँ टॉर्च दो मशीन चालू करना। वो अंदर जाने की कोशिश कर, डर गया वो। मशीन ले जाओ तो मैं फोन चालू करूँ। हाँ बोल बोल अभी अभी पकड़ा जाता है। ये रघु कहाँ पहुँचा? रघु कहाँ गया? वही ऊपर मिडवे के छत पे। रघु ओ रघु अरे इधर आ यार चो इधर आ इधर। ये जंगलात वाले हैं बगल में। ना ना यहाँ नहीं है ना, वापसी चले गए। उठ बटो से वापसी चले गए। ये बाग है यहाँ पर बाग। इतना बड़ा बाग है। पुलिस वालों के छत पे। आनसिंग को करो फोन। आनसिंग भी तो है। टोल बाग में आओ। पुलिस चौकी पे। पुलिस चौकी की छत में यार। नीचे आ गया, नीचे रोड पे। वो जा रहा है रोड रोड। भाई कितने आ रहा हमसे जा रहा वो। कोई डर नहीं है उसको बिल्कुल। मैं मशीन लेके जाऊँ किसी मशीन का फोन क्या नहीं मिला। मशीन लेके जाऊंगी। सबसे पहले जो आपके जैसे तीन गांव हैं जहां पर बच्चे स्कूल जाते हैं या आप लोग जैसे कोई आते हैं वहां से, तो परमानेंट रूप से हम अपना एक एक आदमी हथियारबंद भेजेंगे तीनों गांव में, जो कि विशेष रूप से एक तो बच्चों को स्कूल लाना ले जाना और बाकी पेट्रोलिंग के लिए दिन में उनके अतिरिक्त भी टीमें रहेंगी। हमारी स्टाफ रहेगा जो कि दिन में या शाम को भी जो है पेट्रोलिंग करेगा जो है।
और ये आदमी आपके बोलो मत यार, ये आदमी आपके बच्चों को साथ में जैसे स्कूल आना जाना उसमें साथ में रहेंगे और बाकी समय भी गांव में रह के जो भी है अपना सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो आपके आज हमारी बहन जो घायल हुई है जो किया है वो हमें भी बहुत दुख है, हमारा भी जो है ये है कि हम भी आपके साथ हैं और ये है कि उनके जो भी अभी जो चिकित्सा व्यवस्था चल रही है जो भी होता है इनको शासन का जो मुआवजा है वो वाला मिलेगा पूरा, दूसरे उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे जो भी उनके इलाज चल रहा है वर्तमान में, ठीक है। और ईश्वर से प्रार्थना है, प्रार्थना में विश्वास है कि हमारी बहन जो है आ जाएगी, ठीक है। और तीसरा ये कि इसके अतिरिक्त जैसे पिंजरा एक हमने मंगा लिया, हम अभी लगाएंगे इसको और उसके बाद अभी अब जो हमारे चीफ साहब देहरादून बैठते हैं उनसे लिख के परमिशन एक मांगेंगे, जब उनको सारा फोटो वोटो भेजना पड़ता है, कैमरा ट्रैप होते हैं कुछ वो लगाते हैं जिससे उसकी फोटो आएगी, लगा के उनसे परमिशन मांगेंगे जिसमें इसको पकड़ जो इंजेक्शन से बेहोश करते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, ये कोशिश करेंगे जो कि शायद एक आध दिन में हो जाएगी। मैं अभी चीफ साहब से बात कर रहा था, वो कहीं जंगल में थे, वो कह रहे थे कुछ बात हुई फिर बोल रहे थे कि 15-20 मिनट में खुद बात करें, ठीक है। और अभी मैं खुद आपके साथ गांव में चलूंगा और मैं और मेरे रेंजर साहब एसएसपी साहब भी आ रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि इसके अतिरिक्त भी आपके लिए हम क्या मतलब परमानेंट जिससे कि इस तरह की कोई चीज हो, कोई घटना रिपीट ना हो या क्या कर सकते हैं वो अभी हम गांव में चलकर स्वयं देखते हैं। तो मैं आप कभी भी हमको ये ना समझो कि हम आपसे अलग हैं या कोई विशेष अलग से चीज है, हम भी इसी क्षेत्र के, हो सकता है हमारे में से भी कई सारे स्टाफ के बच्चे इन्हीं गांव में रह रहे हैं, है ना, उनके साथ भी ये घटना हो सकती है अगर दुर्भाग्य। तो इसलिए ये है कि भाई देखो जो सरकार ने दिया है उससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, जितनी सरकार ने हमें शक्ति दी है उससे ज्यादा, इसके अतिरिक्त नहीं बोल सकते क्योंकि जो पावर हमारी नहीं है उसको ऊपर से लेंगे, उनसे परमिशन लेकर लगाएंगे जो करेंगे, और जो हमारी पावर है उसको बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा करेंगे। मुआवजे वाले जो पुराने केस लंबित हैं, क्योंकि वो सिर्फ मुझे लग रहा है एक वजह से लंबित है, वो शायद यहाँ से केस बन के जा चुके हैं, डिवीजन में पहुंचे हैं, डिवीजन में इसका बजट आता है, बजट आता है शासन से, दो जगह से आता है, सरकार ने डिजास्टर में भी डाल दिया, आपदा में भी और कुछ विभाग से, तो वो बजट शायद लंबित होगा, इस वजह से आपके केस पड़े होंगे लेकिन अभी मुआवजा नहीं मिला होगा कुछ समय जो आप बता रहे हैं, उसके लिए मैं खुद जाके चीफ साहब से बात करके बजट लेके तुरंत उनको निपटाने की कोशिश करेंगे, ये है हमारा स्टैंड। सर इसमें मैं एक बात और ऐड करना, ना ना ग्राम सांकर, हाँ सांकर थोड़ी देर में बात करो, लगभग 40 वर्ष कोई नहीं सुन रहा द्वारा हमला कर घायल कर दिया गया, पीड़ित महिला को उपचार हेतु स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया, घटना के क्रम में श्रीमान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय उत्तराखंड देहरादून के निर्देशानुसार गांव व घटना स्थल के आसपास जनमानस की सुरक्षा एवं मान्य वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम और सुरक्षा मुहैया तथा बाघ गुलदार को पकड़ने रेस्क्यू करने के प्रयास में घटना स्थल के पास व बाघ गुलदार की पहचान हेतु कैमरा ट्रैप तुरंत लगाए जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु तत्काल दो गश्ती दलों का गठन कर गश्त बढ़ाई जाने के निर्देश जारी कर दिए जा रहे हैं तथा स्कूली छात्र छात्राओं और क्या है गुरुजन वर्ग को समय में एक टीम सुरक्षा के साथ विद्यालय तक ले जाने और छोड़ने का कार्य करेगी, घटना से संबंधित अन्य विधिक कार्यवाही मिलेगा भाई ना, हम बुझे हमारे